हेलो एवरीवन, मैं विक्की रैना आप सभी का सफलता गुरु के इस मंच पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे जो जो बच्चे जो हमारे से पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं, जैसे जैसे वो दिल्ली में आएंगे, उनके पास जो समय होगा, अगर वो फ्री होंगे तो ज़रूर उनसे मिलवाएंगे आपको, क्योंकि सुबह तो आज दिल्ली पहुँचे ही हैं ये, तो आज शाम का वक्त इनको मिला तो ये हमसे मिलने आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा बहुत राहुल के बारे में। हालांकि आप बहुत सारे बच्चे जो पुराने बच्चे हैं, M11, M10, M9, M12, M13, M14 वाले बच्चे ज़रूर राहुल को जानते होंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ पढ़े थे। राहुल स्पेशल क्यों है? क्योंकि राहुल ने अपनी, जो मैं कुछ बातें बताता हूँ, उन्होंने जो पढ़ाई की है राहुल ने, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की उन्होंने। साथ के साथ ग्रेजुएशन करते वक्त उनके पास DU जाने के लिए, मतलब DU में जाने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। SOL से उन्होंने NIOS से ओपन से अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन की पूरी की। साथ में वर्किंग भी थे, एक लैब आसपास शायद द्वारका की साइड एक लैब है, वहाँ पे काम करते थे। 12 घंटे की जॉब, हाँ आपने सही सुना, 12 घंटे की जॉब करते थे, सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक। लेकिन वहीं इन्होंने अपनी लैब में बात की, उनसे पूछा कि क्या ये कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप में साहस है, आप में कुछ करने की, कुछ कर गुजर जाने की एक हिम्मत है, एक ताकत है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो भगवान किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करता है। वहाँ इनकी भी हुई, इनके जो सीनियर से उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम 3 घंटे देंगे जिसमें आप अपनी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने किया गया कि 9:30 वाला बैच M11 के नाम से जो था इन्होंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आज इनके पास 3 गवर्नमेंट जॉब्स हैं हाथ में, जिनमें से इन्होंने एक ज्वाइन कर ली है जिसका नाम है DRDO STA, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, Group B की जॉब है, ये नाम है शायद पोस्ट का। तो अभी वर्किंग है DRDO के अंदर, 42वें ग्रेड पे है इनका और उम्र मात्र 23 साल है। इसके अलावा इन्होंने SSC GD का एग्ज़ाम पास किया है। SSC सिलेक्शन पोस्ट, आपने नाम सुना होगा उसका, Phase 10 का जो एग्ज़ाम है वो भी 42वें ग्रेड पे ही था, उसका भी इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है। हालांकि इनको DRDO ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अभी वहीं वर्किंग है। और अभी जो मेरी इनसे बात हुई सेशन शुरू होने से पहले, इन्होंने मुझे बताया कि अब इनकी दिली इच्छा है कि ये CGL के लिए आगे करें, कंटिन्यू CGL में इंस्पेक्टर बनना या फिर DAA बनना, ये उनका लक्ष्य है अब आगे, और उसके बाद फिर स्टेट PCS और UPSC जैसे एग्ज़ाम को ये क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले तो राहुल आपका धन्यवाद, आपने अपना समय दिया हमारे को। अच्छा, आप मुझे सबसे पहले तो एक सवाल का जवाब दें कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में ख्याल कैसे आया? मतलब सिंपल थी बातें, ऐसे हालातों से निकलकर बच्चा कभी सोचता भी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब करेगा, वो उन हालातों को ही अपना ये मान लेता है कि यही किस्मत है मेरी, इसी के साथ चलेंगे आगे। आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते थे, आप क्यों इतना स्ट्रगल किया और आज यहाँ तक पहुँचकर आपको कैसा लग रहा है? तो इन 2-3 सवालों का जवाब दें कि आपने जर्नी कैसे शुरू करी, गवर्नमेंट जॉब का कैसे आइडिया हुआ और आप कैसा लग रहा है, तीनों बातें बताएं। नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो मैं भगवान को इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया और मैं आज सर के साथ बैठा हूँ यहाँ पे। तो जैसे सर का सवाल है कि मेरे पास ये आइडिया कैसे आया कि मुझे कोचिंग या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग लेनी चाहिए, तो मैंने अपना ज़िंदगी में पहला कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम दिया तो वहाँ मेरी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेकार रही, तो मैं खुद को भी अपनी शक्ल मतलब शीशे में नहीं देख सकता, अपनी नज़रें कहीं नहीं मिला सकता था। तो फिर मैंने अपने किसी वहाँ पे दूसरे कॉम्पिटेटर से पूछा कि आपने उनका एग्ज़ाम कैसा गया, उन्होंने बताया काफ़ी अच्छा गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मतलब इतना अच्छा एग्ज़ाम कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि हमने कोचिंग ली है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारियाँ हमने कहीं ना कहीं से उन्होंने क्लासेस ली थी। तब मुझे समझ में आया कि हमें भी कोचिंग लेना ज़रूरी है, उसके बिना शायद एग्ज़ाम पॉसिबल क्लियर करना नहीं हो पाएगा। तो फिर वहीं से मैंने अपने जहाँ पर मैं जॉब करता था, मैंने वहाँ अपने बॉस से थोड़ी परमिशन इस बारे में ली कि सर क्या मैं जॉब मतलब किसी कोचिंग के लिए जा सकता हूँ। तो उनको भी लगता था कि हाँ ये लड़का कुछ कर सकता है, तो उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया। उन्होंने को डेली 2 घंटे के लिए जाने के लिए अलाउ करके तुम 2 घंटे जा सकते हो बीच में, और जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम हो नहीं जाता मतलब जिस जो मेरा टारगेट था उसके लिए। तो जब मेरे को 3 महीने का टाइम मिला, उस 3 महीने में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और फिर मैंने वहीं पर अपना पढ़ाई लिखाई शुरू करी। उसके अलावा जब मैं 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद घर जाके भी पढ़ता था रात को, और सुबह भी मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने पढ़ाई करनी, ये सब किया सर मैंने। अच्छा। तो राहुल, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपको 8 बजे आप अपनी जॉब से फ्री होते थे, है ना, पहुंचने में अपने घर तक शायद कितना टाइम लग जाता था आपको? लगभग आधा, यानी कि 8:30-9:10, मतलब 10 बजे तक आप पूरा फ्री होते होंगे, खाना वाना खा के आराम से सब कुछ देख दाख के।
तो फिर उसके बाद रूटीन क्या था, मतलब जैसे लोग बोलते हैं हम थक जाते हैं, हमसे चार घंटे पढ़ाई, लोगों से चार घंटे पढ़ाई भी नहीं होती और आप 12 घंटे की जॉब करने के बावजूद भी पढ़ाई कैसे कर लेते थे, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि हम 8-10 बजे तक फ्री हो जाते हैं, जैसे बिल्कुल सही बोला आपने, मैं 10 बजे घर पहुँचने के बाद अपना सब कुछ काम खत्म होने के बाद अपनी किताबें लेके बैठ जाता था पढ़ने के लिए, और वैसे 12 बजे तक मैं डेली मतलब पढ़ता ही था, उससे भी ज़्यादा हो जाता था कभी कभी एक या फिर अगर कुछ कंटेंट अच्छा मिल रहा है आपको पढ़ना ही, आपको सोच रखा कि पढ़ना है, तो आप टाइम नहीं देखते कि कितना बज गया, आपको उसे पढ़ना होता है, आपको बस आपको सोच आपको टारगेट है कि मुझे बस ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो बस पढ़ते जाएंगे। और मैं अपने ऑफिस में भी जब थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है तो वहाँ पर पढ़ने लग जाता था। इस तरीके से मतलब मैंने अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करा, जरा से भी टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने, मैंने हर एक मिनट को कीमती समझा, मैंने उसको यूटिलाइज़ किया। कब होती थी आपकी छुट्टी? हाँ सर, मेरी मॉर्निंग ड्यूटी 8 बजे शुरू होती थी और मैं शाम को 8 बजे घर जाता था, और सर मेरा वीकली ऑफ होता नहीं था, सिर्फ संडे को हाफ डे होता था 8 से 2। तो आपकी वर्किंग था? जी, उसके 2 बजे बाद मैं घर जा सकता। जी सर जी। तो जैसे कि आपने देखा कि कोई वीकली ऑफ था ही नहीं, संडे संडे जैसा था ही नहीं, सोचने वाली बात है ना भाई। उस समय तो ये बात लगभग इनकी जब ये आए थे 2022 की बात है, 23 साल की तो शायद अब हुए हैं, उस समय 22 साल की उम्र थी, और 22 साल की उम्र में एक जो बच्चा है जो 12 घंटे की जॉब कर रहा है और उसको संडे भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे समय में अपने मेंटल पीस को मेंटेन रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, अब करके देखना बड़ा मुश्किल होता है ये सब, लेकिन उसके बावजूद इस बच्चे ने अपने मेंटल पीस को मेंटेन रखा, अपनी जो एफर्ट्स थे उन पर इसने भरोसा किया, इसे पता था कि ये कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा, और मुझे भी पता था जिस तरीके से मेहनत करता था, इसके सवाल होते थे, जैसे मैंने एक बार क्या बोला कि भाई मैं संडे को मैं नहीं आऊँगा, तो इसने कहा कि नहीं सर प्लीज़ आ जाओ, हमारा एग्ज़ाम है, अगली बार आप छुट्टी, जब एग्ज़ाम मेरा खत्म हो जाएगा तब छुट्टियाँ कर लेना आप, तो ठीक है। फिर करंट अफेयर की क्लासेस हमने लगाना शुरू करी, फिर डाउट सेशन लेना शुरू किए। तो सवाल ये नहीं है कि भाई कैसे किया, ये सवाल नहीं है, ये आपको समझ में आ गया पूरा के पूरा, सवाल ये कि इतनी हिम्मत कहाँ से आती है इंसान के अंदर, और ऐसी ही चीज़ें ध्यान रखना, यही चीज़ें हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है, बाकी लोगों से बेहतर बनाती है। जहाँ एक बच्चा एक छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब के लिए तरस जाता है ना, वहाँ एक 23 साल का लड़का जो वर्किंग है वो 3-3 गवर्नमेंट जॉब लेकर बैठा है। हाँ फेल भी हुआ है लड़का, इसने जो पहला एग्ज़ाम दिया था अपना MTS का था, NVS नवोदय विद्यालय संगठन, उसका इन्होंने एग्ज़ाम दिया, उसमें फेल भी हुए थे, ऑप्शन इनके पास भी था, फेल होकर घर बैठ जाते, ऑप्शन था ना, बोल देते, एक्सक्यूज़ देते भी नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट एग्ज़ाम होता है, सीट्स तो पैसों में बिकती है, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ मैंने देखे सुने हैं। ये भी पंचवर्षीय योजना बना लेते हैं अपनी, देखते होगे ना आप तैयारी कर रहा, आज आपने पूछा किसी आस पड़ोस में आपको लोग दिखेंगे ऐसे, आज पढ़ाई कर रहे हैं, एक साल बाद पूछा क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं, फिर पूछा क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तरीके अच्छे नहीं होते, उनके पास कंटेंट अच्छा नहीं होता, उनके पास जो लोग उनको गाइड कर रहे हैं वो सही रूप से गाइड नहीं कर पाते। तो मेरा एक और सवाल अब राहुल से है कि राहुल, जो आपको गाइडेंस मिली, चाहे वो पेरेंट्स से, चाहे टीचर से, चाहे इंस्टीट्यूट से, चाहे आसपास के जो आपके लोग थे जो आपको मोटिवेट करते थे, चाहे वो आपके वर्क प्लेस जो आपकी लैब थी वहाँ के लोग हों, तो उन सब चीज़ों से कैसे मोटिवेशन मिला आपको, उन सब चीज़ों का क्या योगदान रहा यहाँ पर, उसके बारे में एक बार मुझे बताओ, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर हो, चाहे वो आपके जो लैब में जो लोग थे आपके आसपास, कुछ तो होते हैं ना लोग जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको लगता है कि नहीं यार इन जैसा बनना है, नहीं यार ऐसे काम करने हैं हमें, इस तरीके से बेहतर करना है मुझे, कुछ लोग हमें हारने देते, कुछ लोगों को देख के लगता है कि नहीं यार वाओ मैं भी कर सकता हूँ, ये नहीं तो मैं भी कर सकता हूँ, कई लोग होते हैं आपको जो गिराते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपने कैसे नेगेटिव लोगों को हटाया लाइफ से, कैसे पॉजिटिव लोगों पर फोकस किया, ये सब कैसे कर पाए, सवाल ये उठ के आता है आप पे। जी सर, जैसा कि सर आपने पूछा कि मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से आया, सर सबसे पहली बात तो इसमें सब बहुत बड़ा योगदान मेरी माता का है, उन्होंने सर मुझे इसके लिए, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब मैं 9th क्लास में था, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, वो गांव में थे और हम लोग यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं और मेरी बड़ी बहन थी, तो सर हम लोगों को इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ा, तो वहाँ जब हम लोग सर बहुत ज़्यादा हमने गरीबी देखी अपनी ज़िंदगी में, हम लोग बहुत ज़्यादा सारे रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे, सारी सुविधाएँ नहीं थी, तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमको इस बारे में वो बोला कि आप शहर मत जाओ, आप सीधा यहीं रह के अपना खेती बाड़ी करो, इन सब में रह जाओ। तो सर मेरी माता जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ताकत अपनी क्षमता दिखाई कि ना मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, कैसे भी करके आगे बढ़ाऊंगी, उन्होंने बड़ी वो वर्किंग
उसके बाद? हाँ सर, वो पहले से मतलब वर्किंग थी, वो फैक्ट्री में काम करती थी वो। हाँ तो सर उन्होंने अपने मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब हमारे दादा दादी से लड़ाई करके वो हमको शहर लेके आ गए जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, रेंट पे रहते थे सर हम लोग वहाँ पे। तो उन्होंने काम करते करते हमको थोड़ा और एजुकेशन दिलवाई। तो मतलब टेंथ तक जब मैं पहुँचा तो मुझे लगा कि अब घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है तो मुझे भी काम करना चाहिए। तो मैंने टेंथ तो जैसे तैसे ख़त्म कर ली, फिर मैं काम करने मैकेनिक की दुकान पर काम करने लग गया था। लगभग मैंने 6 महीने से, मैंने टेंथ जस्ट क्लियर ही करी थी, फिर मैंने 6 महीने वहाँ पर काम करा। फिर मैं सर सैलरी बस वहाँ पर मेरा मतलब 3,000 रुपये पर मंथ मिल जाते थे स्टार्टिंग, बस मतलब सिखाने के, मेरे को सिखाने के 3,000 रुपये दिए। अब आपने सुना कि एक मंथ की सैलरी 3,000 रुपये, और आज इनकी सैलरी सुनते हैं कि आज सैलरी कितनी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ वैसे ही, आज सैलरी कितनी है आप मुझे बताएंगे आज सैलरी? हाँ सर, आज लगभग सैलरी मेरी 55,000 के आसपास जाएगी। तो 4200 ग्रेड पे है और लेवल 6 का है, तो आज लगभग 55,000 के आसपास। लगभग अगर आप हिसाब लगाएंगे तो सोच के देखना, सैलरी लगभग 18 गुना से भी ज़्यादा है, 18 गुना से ज़्यादा सैलरी है। हालांकि इनके एफर्ट 100 गुना होंगे, 18 गुना सैलरी पाने के लिए इनके एफर्ट 100 गुना है। और आप सोच के देखो इनकी माताजी की आंखों में क्या चमक आती है। अभी मैंने इनसे बात कर रहा था, मैंने इनसे पूछा तो वो बोल रहे थे कि सर मेरी मम्मी को तो यकीन भी नहीं होता। कैसे यकीन होगा भाई, तुमने मेहनत इतनी अविश्वसनीय तरीके से करी है, कैसे यकीन हो जाएगा? तो अब अच्छा मुझे बताएं कि बाकी जो लोग थे आसपास उनसे कैसे मोटिवेशन मिला? कुछ लोग होते हैं ना, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग भी हमें मोटिवेट करते हैं, क्रिटिक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं आपको कि नहीं गवर्नमेंट जॉब तो ऐसी कहाँ लगती है। उन लोगों का मुंह कैसे बंद किया, मतलब उन लोगों से कैसे आपने निपटा, कैसे लोगों को भरोसा? लोग आते नहीं, लोग बोलते हैं कि नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब में यार, कर ले तू भी अपने मन की कर ले, कुछ नहीं होता, उन लोगों से कैसे निपटा? हाँ सर, जैसे कि मतलब जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे भी और जहाँ हम काम करते थे कुछ कलीग्स थे, और लोगों का कहना ये था कि गवर्नमेंट जॉब लेना आज के टाइम पे आसान बात नहीं है, क्योंकि आजकल सारी सीटें बिक जाती हैं पैसों के, तो कुछ पैसे देके आप कोई भी सीट खरीद सकता है। इसमें जो लोग एलिजिबल हैं उसको, उनके लिए तो मतलब चांस ही नहीं कि उनको मिल जाए सीट। फिर भी मतलब हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी, हमने एफर्ट्स लगाते रहे, हमको पता था कि एक ना एक दिन तो मतलब हमारी मेहनत रंग जरूर लाएगी। तो फिर मैं अपना अपने तरीके से कंटिन्यू करता रहा अपनी तैयारियाँ और मैंने जॉब हासिल करी। और ऐसा क्या था जो M11 के बच्चों से आपको कुछ मोटिवेशन मिला, जो आपके जो ग्रुप के लोग थे, आपके ग्रुप के बैच के जो बच्चे थे, है ना, उसमें से कुछ बच्चे आपको याद भी होंगे, तो उन लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हो आप फाइनली, कि अगर आपको एक लास्ट कुछ वर्ड आपको बोलने उन लोगों से, या फिर जो भी जितने भी लोग बच्चे पढ़ रहे हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ हमारे कोचिंग में नहीं, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं से भी कंटेंट ले रहे हो, या फिर जो बच्चे कोचिंग नहीं भी ले पा रहे हैं, उन बच्चों को कैसे मैसेज देना चाहोगे आप? या फिर जो बच्चे वर्किंग हैं, जिनको लगता है कि नहीं यार अब ये जो है यही जीवन है हमारा, हम यही कर पाएंगे, हम इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि भाई ये जो अभी जो समय है ये अंत नहीं है, है ना? ये एक जो मुझे लगा कि आपने शायद मैसेज दिया हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि उन्हें क्या लास्ट कुछ वर्ड अगर आपको बोलने हो, क्योंकि सिंपल सी बात है आज की बात शायद हमारा मिलना इस तरीके से ना हो पाए, लेकिन एक मैसेज हमेशा आपका रिकॉर्ड होकर रह जाएगा, एक मैसेज हमेशा पब्लिक इस आसपास हमारे समाज के जो लोग उनके पास जाएगा, उनके पास रिकॉर्ड होकर जाएगा, उनके पास एक कुछ वर्ड रहेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा आपकी स्टोरी से अपनी, आप मुझे बताएंगे कि लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? सर ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये समय अंत नहीं है, आपको ये चीज़ें तो हमेशा के लिए फैक्ट बना हुआ है कि आप जितने मेहनत करोगे आपको उसके हिसाब से फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन जरूर मिलेगा। पहले भी मैं सोचता था कि भगवान को कोसता था कि भगवान क्या सारे दुख दर्द आप मेरे को ही दोगे, लेकिन मुझे अब ये रियलाइज़ हो गया है कि जरूर भगवान ने कुछ ना कुछ हमारे लिए सोच रखा है, आज नहीं तो कल हमें जरूर अपने आप मिलेगा वो, बस हमें अपने एफर्ट्स पूरी तरीके से देने हैं, हमें अपना 100% देना है हमें। अगर हम वो 100% नहीं दे सकते तो आपको अपने रिजल्ट के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। थैंक यू। आज आपके घर वालों को, आपको किसी को मोटिवेट करना हो ना, आज अगर राहुल को किसी को मोटिवेट करना हो, आज अगर मुझे किसी को मोटिवेट करना हो, तो मुझे ज़्यादा पीछे देखने की जरूरत नहीं है। पीछे का मतलब है किसी दूसरे की स्टोरी को लाने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने एग्जांपल हैं, इनके सामने एग्जांपल हैं, इनकी मम्मी के पास, इनकी बहन के पास, इनके भाई के पास, फादर शायद जो ऊपर से देख रहे होंगे उनके पास, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाली जनरेशन को सुनाने के लिए एक महान कहानी है। कोई महान कहानी महान लोगों से नहीं बनती है, महान एफर्ट से बनती है, महान नीयत से बनती है। ये कर सकता था, ये चोरी कर सकता था, ये कर सकता था, ये चुन सकता था उसी प्रोफेशन को अपना करियर, नहीं माना, तोड़ा इसने चीज़ों को। हाँ दिक्कत होती है, जो डिसिप्लिन नाम का वर्ड है ना, ये बड़ा कष्टदायी होता है, हर किसी के बस की नहीं होता, रात को 2-2 बजे पढ़ना, 3-3 बजे तक पढ़ना,
वर्किंग रहना, घर की ऐसी कंडीशन को देखकर आगे बढ़ना आसान बात नहीं होती। लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ा गया, उससे आगे निकला गया, और आज जो इनके चेहरे पे खुशी देखता हूँ मैं, जो इनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखता हूँ मैं, ये सदाबहार लाजवाब है। तो जब भी मैंने इनको पहले भी कहा था एक बार कि जब भी आपको जीवन राहुल दे तो बी प्रजापति नॉट गांधी। चलिए थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज सेशन ही खत्म करते हैं, और थैंक यू राहुल आपका आने के लिए। भगवान आपको और ऐसे ही तरक्की दे और उन्नति दे आपको जीवन भर। चलिए बेस्ट ऑफ लक।